वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन 120 लेवल पे क्लोजिंग दे चुका था बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक। तकरीबन देखा जाए तो 3.90 पैसे की गिरावट देखने को मिली थी, 3% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक के अंदर फ्राइडे के दिन में। तकरीबन फ्राइडे के दिन जैसे ओपन हुआ था, फ्लैट ओपन हुआ था, प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट किया सुबह में और वहीं से गिरावट देखने को मिली थी। 120 लेवल ने यहाँ पे सपोर्टिव का काम किया है। यहाँ पे आप देख सकते पूरे दिन भर वहाँ डे एंडिंग में जाके 120 लेवल पे ही क्लोजिंग दे चुका था। तकरीबन मार्केट कैप भी देखोगे तो यहाँ पे 62.19,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है बैंक ऑफ बड़ौदा का। और यहाँ पे पी रेशो देखोगे तो 7.21 का है, जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत बढ़िया पी रेशो भी है बैंक ऑफ बड़ौदा में। डिविडेंड भी देख सकते हो कि अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड भी दे रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक। तो पिछले 5 दिनों के ऊपर भी नजर डाली जाए तो पिछले 5 दिनों में देख सकते कि स्टेबल था स्टॉक, पर यहाँ पे गिरावट देखने को मिले पिछले 2 दिनों से। तो वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम भी देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन 2 करोड़ 82 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका था, टोटली एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला था। ट्रेडेड वैल्यू भी देख सकते हो 34,195 लाख की देखने को मिली थी। तो डिलीवरी परसेंटेज के ऊपर भी ध्यान डाली जाए तो देख सकते 2 करोड़ 82 लाख में से तकरीबन सिर्फ 84 लाख क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके थे, यानी कि तकरीबन 29.84% क्वांटिटी जो है ट्रेडेड में से डिलीवरी के लिए चले गए थे। तो देख सकते कि तकरीबन बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो एक अच्छी यहाँ पे गिरावट देखने को मिले, एक अच्छी तेजी के बाद यहाँ पे फिर से गिरावट पिछले 2 दिनों से देखने को मिले स्टॉक के अंदर। जैसे कि 120 को ब्रेकआउट कर रहा है मंडे के दिन तो और गिरावट होकर 115 लेवल तक नीचे जा सकता है स्टॉक, 116 to 115 तक जा सकता है 120 को ब्रेकआउट करता है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक के लिए।